कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु मंगलवार को टोटमिक कुर्मी कुर्मी विकास मोर्चा के बैनर तले गिरधारी महतो के नेतृत्व में एक दिवसीय बैठक धनबाद के गांधी सेवा सदन के सभागार में हुई। अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार एवं संचालन नरेश महतो ने किया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं करती है तो पूरा कुर्मी समाज अपने हक अधिकार को लेकर दिल्ली कूच करेगा। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार, प्रधान महासचिव राम पदो महतो, केंद्रीय महासचिव गिरधारी महतो समेत समाज के दर्जनों लोग उपस्थित थे। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आज प्रोटोमिक कुर्मी कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से एक दिवसीय जिला स्तरीय बैठक चल रही है और इस बैठक के माध्यम से कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो कुर्मी जनजाति का मांग है उसको अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा कुर्मी जाति रेलवे ट्रैक पर था, एक बड़ा मैसेज पूरे देश को देने का काम किया है कि हम शुरू से जनजाति रहे हैं, आदिम जनजाति रहे हैं और 6 सितंबर 1950 को जब एसटी का सूची बना उस सूची में हमको छोड़ दिया गया, उसमें हमको शामिल नहीं किया गया और शामिल होने के लिए हम लोग 72 वर्षों से लगातार लड़ाई को लड़ रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ रणनीति बना रहे हैं कि गांव-गांव तक कैसे इस आंदोलन को पहुँचाया जाए और आगे आने वाले दिन में और बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करें। और भारत सरकार को हम लोग अल्टीमेटम दिए हुए हैं कि शीतकालीन सत्र में जिस तरह पिछला सेशन में आप लोगों ने 11 जाति को एसटी के सूची में लाया उसी तरह शीतकालीन सत्र में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने को लेके शीतकालीन सत्र में आप बिल लाए और बिल ला के कुर्मी जाति को उनका जो संवैधानिक अधिकार है उनको आप देने का काम करें। केंद्रीय अध्यक्ष प्रोटोमिक कुर्मी कुर्मी विकास मोर्चा शीतल ओदार से। आज हम लोग बैठक करके अपना जिला कमेटी के साथ हम लोग रणनीति बना रहे हैं। रणनीति के तहत हम लोग गाँव गाँव में पहुंच करके एक जन जागरण अभियान के तहत में कुर्मी समाज हमारा एकत्रित हो जागे इस मांग को लेकर के और हम लोग दिल्ली जंतर मंतर में किस कैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और शीतकालीन सत्र में हमारे जो वहाँ पर जो आंदोलन होगा दिल्ली में वो हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसका हम लोग तैयारी आज हम लोग इस बैठक में करना चाहिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूर्वी जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करना, क्योंकि हम लोग पहले से अनुसूचित जनजाति तो है लेकिन हमारा जो है वो नाम जो है सिर्फ सूची से हटा दिया गया। आज भी हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से गैर आदिवासी ही हम लोग कहलाते हैं। अपना परिचय गिरिधारी महतो, केंद्रीय महासचिव।